एवरीवन, मैं हूं श्रेया और मैं आपके लिए लेकर आई हूं बिग बॉस अपडेट्स। बिग बॉस 12 को अभी सिर्फ 2 ही दिन गुजरे हैं, लेकिन ऐसा ड्रामा शुरू हुआ है जिसे देखने के बाद आप भी शॉक हो जाएंगे। एक तरफ जहां खान सिस्टर्स लड़ने के बहाने ढूंढ रही हैं, तो अनूप जलोटा और जसलीन मथारू लोगों की चर्चा का सब्जेक्ट बने हुए हैं। साथ ही साथ दीपक ठाकुर और उनकी फैन उर्वशी ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। ये दोनों सभी को एंटरटेन करने के साथ साथ अपने देसी अंदाज से दूसरे कंटेस्टेंट्स को उलझा रहे हैं। लेकिन बात करें शो में सेलेब के तौर पर सिंगल एंट्री लेने वाले पूर्व क्रिकेटर श्री संत की, तो क्रिकेट के मैदान की तरह यहाँ भी उनका पिच गर्म लग रहा है। यहाँ तक कि बिग बॉस टास्क के दौरान उन्होंने अपना टास्क पूरा नहीं किया तो बिग बॉस को ये टास्क ही रद्द करना पड़ गया। दरअसल श्री संत को टास्क के दौरान शिवाशीष मिश्रा और सौरभ पटेल को खुद से कमजोर बताना था, इसके लिए उन्हें कुछ पॉइंट्स भी देने थे। इस टास्क के लिए जज के तौर पर बिग बॉस 11 की विनर शिल्पा शिंदे और टीवी एक्टर करण पटेल मौजूद थे, लेकिन श्री संत का कहना था कि उन्हें सौरभ और शिवाशीष में कोई कमी लगती ही नहीं, जिसके बाद श्री संत को 5 मिनट का टाइम दिया गया। घर वालों के बार बार समझाने के बाद भी इस बारे में श्री संत का कहना था कि उन्होंने सौरभ और शिवाशीष के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है, इसलिए वो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकते। अब श्री संत के इस रवैये को देखते हुए बिग बॉस ने गुस्से में इस टास्क को ही रद्द कर दिया। खान बहनों की जोड़ी शो में ड्रामा बढ़ाने का काम कर रही है। इस टास्क के फेल होने पर उनका निशाना बने श्री संत। बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस टास्क की नाकामी को लेकर खान बहनों का गुस्सा श्री संत पर भड़का। उन्होंने श्री संत को मैनरलेस और डिस्कस्टिंग कह दिया। श्री संत ने अपना टास्क पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से घर वालों में इस बात की नाराजगी साफ साफ देखी जा सकती थी। ऐसे में श्री संत भी गुस्से से लाल हो गए और बिग बॉस के घर में एंट्री के दूसरे ही दिन माइक उतार कर बिग बॉस से घर का दरवाजा खोलने को कहा। बाद में करणवीर ने एक दोस्त होने के नाते उन्हें समझाया। जब श्री संत को करणवीर ने समझाया तो उन्हें अपनी गलती समझ आई और उन्होंने खान सिस्टर से माफी मांगी। वेल, माफी मांगने के बाद भी खान बहनें उन्हें माफ नहीं करती, जिसकी वजह से घर का माहौल बेहद ही संगीन हो गया है। ऐसे में अब जब बिग बॉस को सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और श्री संत ने बिग बॉस को छोड़ने की धमकी दे दी है, तो आगे वो कब तक सर्वाइव कर पाएंगे ये तो देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, श्री संत इस गेम में आगे बढ़ पाएंगे? नीचे हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और हिंदी रश को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।